तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के किले और महलों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ पहुंचे हैं गगन महल। गगन महल आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा शहर में स्थित एक राजसी महल था। इस महल को विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था। ये पेनुकोंडा शहर का बस स्टैंड है, जहां से गगन महल लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। गगन महल पेनुकोंडा शहर के बीचों बीच बना हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको पूरा शहर घूम के जाना होता है। रास्ते में आपको पेनुकोंडा शहर के बाजार, कई चौराहे, पतली सकरी गलियां और कई मंदिर दिखाई पड़ते हैं, जिनके बाद हमें पेनुकोंडा महल का मुख्य द्वार दिखाई पड़ता है। यहां से 1.5 किलोमीटर पर गगन महल स्थित है। ये गगन महल का मुख्य द्वार है, भव्य और खूबसूरत। गगन महल के बाहर एक बोर्ड बना देखा जा सकता है, जहां गगन महल का पूरा इतिहास लिखा गया है। यह महल लगभग 10 बजे सुबह खुलता है। वैसे तो इस महल में कोई रहता नहीं है, ना ही कोई ज्यादा आता जाता है। बस एक गार्ड है, जो कि इस महल की थोड़ी बहुत देखरेख करता रहता है। शुरुआती समय में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जो कि एक कुशल और संपन्न राजधानी थी। परंतु हम्पी के पतन के बाद राजा कृष्णदेव राय ने पेनुकोंडा स्थित इस गगन महल का निर्माण कराया, और इस प्रकार हम्पी के पतन के बाद गगन महल स्थित यह शहर विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी बना। तब इस गगन महल में राजसी निवास हुआ। गगन महल 4 मंजिला सुंदर इमारत है और आज के समय बहुत ही अच्छी स्थिति में है। इस महल के अंदर राजा कृष्णदेव राय की एक सुंदर पेंटिंग भी देखी जा सकती है। यह राजसी महल कई सुंदर मेहराबदार छज्जों, कई पिलर्स, सुंदर खिड़कियों और कई राजसी दरवाजों से मिलकर बना है। इस महल का ग्राउंड फ्लोर तो बेहद ही खूबसूरत है। गगन महल का ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। कुछ पतली सकरी सीढ़ियों के माध्यम से हम पहली मंजिल पर पहुंचते हैं। यहां हमें रानी निवास देखने मिलता है। इस रानी निवास में कई छोटे बड़े कमरे बने देखे जा सकते हैं। यहां हवा के आने जाने के लिए हर कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई हैं। क्योंकि महल के आसपास कई पहाड़ हैं, तो यहां रानी महल से आसपास के सुंदर नज़ारे भी दिखाई पड़ते हैं। इस महल का वास्तु बहुत ही अच्छा है। एक छोटी सी जगह पर सुंदर महल बनाया गया है। महल को बनाते समय हवा, सूर्य का प्रकाश, बरसात के पानी का निकास बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। अब हम चलते हैं महल की दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए और पतली सकड़ी सीढ़ियों से होकर जाना होता है। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल बना है, जिसके 3 तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हैं। हवा किसी भी दिशा से आए, यहां हॉल में गर्मी के दिनों में ठंडक का एहसास होता था। क्योंकि महल की दूसरी मंजिल एक ऊंचे स्थान पर स्थित है, तो यहां से पूरे पेनुकोंडा शहर, आसपास के जंगल और पहाड़ देखे जा सकते हैं।
इस महल की तीसरी मंजिल पर जाने के लिए बहुत ही पतली सकरी सीढ़ियां बनी है। तीसरी मंजिल पर बहुत ही कम जगह है। यह स्थान सर्दी के दिनों में प्रायः धूप सेकने के लिए प्रयोग की जाया करती थी। इस गगन महल के प्रांगण में एक बगीचा हुआ करता था, परंतु आज के समय यह बगीचा महल का टूटा फूटा संग्रहालय बन चुका है, जहां कई टूटी फूटी मूर्तियां, कई पिलर्स महल परिसर में यहां वहां पड़े देखे जा सकते हैं। इस महल का इतिहास बहुत ही बड़ा और पुराना है। 16वीं शताब्दी में इस महल पर ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया और इस महल को ब्रिटिश कार्यालय के रूप में बदल दिया गया। लक्ष्मी नरप्पा, नारायण रेड्डी, के रामचंद्रया और पी से सैनम, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस गगन महल को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कई ब्रिटिशर्स जलकर मर गए। तो यह महल आंध्र प्रदेश के इतिहास का अभिन्न अंग रहा है। गगन महल से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर बोग समुद्रम लेक स्थित है, जिसके किनारे आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए एक सुंदर पार्क बनाया है, जहां कई फुट ऊंचे शिवजी की प्रतिमा स्थापित है। इस तालाब के किनारे सड़क के दोनों ओर सुंदर वृक्षारोपण किया गया है। पीने के पानी के लिए आरओ सिस्टम भी लगाया गया है। पार्क में बैठने के लिए कई बेंच हैं। कुल मिलाकर यह स्थान पिकनिक मनाने के लिए सर्वोत्तम है। यह स्थान एक पहाड़ी की तलहटी पर बना है, जो कि प्रकृति का अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। इसी स्थान पर कई प्राचीन टूटे हुए मंदिरों के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। तो पेनुकोंडा में सुंदर महलों के साथ साथ मंदिर, पहाड़, जंगल और बड़े तालाब के नज़ारों का भी लुत्फ़ उठाया जा सकता है। यह प्राकृतिक स्थान होने के साथ साथ एक शांत जगह है। यदि आप पेनुकोंडा या अनंतपुर जाते हैं, तो यहाँ के महल, मंदिर, तालाब, पहाड़ का आनंद जरूर लें। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।